वेलकम बैक दोस्तों, साइकी थ्रेडिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप शायद स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं जेड ब्रश में काम कर रहा हूँ। इसमें जेड ब्रश की जो विंडो दिख रही होगी आपको, और एक इम्बोसिंग का, एक मतलब गणेश जी का ये आपको स्कल्प दिख रहा है ये। तो दोस्तों मैं आपको जेड ब्रश नहीं सिखा रहा हूँ आज, लेकिन और एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये मैंने जेड ब्रश में नहीं बनाया है, ये मैंने बनाया है आपके मैट्रिक्स में, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये मैट्रिक्स में कैसे बना होगा, तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। आपको मैंने, आपने जो कवर देखा होगा मेरी इस वीडियो का, तो उसमें मैंने जीसस का जो एक डाला हुआ है वो भी मैंने मैट्रिक्स में ही बनाया है। बहुत ही सिंपल वे से बना सकते हैं हम लोग इसको। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को, कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है, और मैं आपको इसके लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसको कहाँ से आप इमेजेस वगैरह जो है या जो भी जो सोर्सेस हैं वो कहाँ से मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों देखते रहिए इसके इस वीडियो को एंड तक। लेकिन इससे पहले, जिस वीडियो चालू करने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे ट्रिक्स और वीडियोज़ आने वाले हैं। और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो नए वीडियोज़ आ रहे हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। और दोस्तों मैंने ये चैनल आपको ज़्यादा काम करने के लिए या आपको बहुत लेंदी वर्क करने के लिए नहीं, मतलब आपको एक ऐसी चीज़ें या ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसे ट्रिक्स बताने के लिए बनाया है कि जिसमें आपको बहुत ईजी वे में, बहुत जल्दी से या बहुत ईजीएस्ट टेक्निक से अच्छे और क्रिटिकल से क्रिटिकल ज्योमेट्रीज या डिज़ाइंस बना पाओ। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ताकि आप भी बोर ना हो और जल्दी से वीडियो ख़त्म भी हो जाए। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो, ये है, देखिए ये है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। और आप देख सकते हो इसमें मैंने ये गणेश जी यहाँ पे बनाया है। मैंने सिर्फ जेड ब्रश में उसको स्मूथ और रिफाइन करने के लिए लेके गया था। उसका भी, जेड ब्रश का भी जो टेक्निकली हम लोगों को यूज़ होने वाला है, मैं पूरा सॉफ्टवेयर सिखाने वाला नहीं, हम लोग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। हमें जिसका जितना यूज़ होना है, करना है, बस उतना ही मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग सीखेंगे इसमें, काफ़ी सारे ऐसे ऐसे सीखेंगे कि जिसमें आप कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकते उसको किसी तरीके से, इस तरीके से, मतलब जो स्टाइल है इसका, या हम लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सोच भी नहीं सकता, इस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करेंगे और आप सीखोगे नई नई चीज़ें। तो चलो दोस्तों इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग, ताकि आपको भी मज़ा आए करने में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आपको मैट्रिक्स ओपन करना है। मैट्रिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं फोर व्यू कर लेता हूँ मैं मेरे, ठीक है दोस्तों। और अभी मैं इसमें एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, सेंटर से ज़ीरो इंटर, और मैंने यहाँ पे एक बना लिया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब आपको जाना है मैट्रिक्स में, आर्ट में, ये देखिए जो रिसेट के जस्ट नीचे टी स्कैन के आगे, आर्ट में यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैंने माउस ओवर कर रहा हूँ, आर्ट में गया मैं, तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स आर्ट की विंडो ओपन हो गई है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे आना है, लेयर पे, ठीक है दोस्तों। और उसके नीचे देखिए कर्व दिख रहा है, तो कर्व के ऊपर, जैसे कर्व सिलेक्ट है मेरा, इस कर्व के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो जो राइनो इम्बॉस में हमने किया है, अगर राइनो इम्बॉस की वीडियोस आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिए दोस्तों, मेरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है मेरे चैनल के ऊपर। आप जाओगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर एक राइनो इम्बॉस इन हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें सिर्फ राइनो इम्बॉस के बारे में बताया है। प्रोजेक्ट्स वगैरह सब उसमें आ जाएंगे उसके अंदर, जैसे जैसे हम लोग करेंगे आप सीखोगे वैसे। और इसमें देखिए ये आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसका, कि इसमें जो राइनो इम्बॉस में हम लोग करते थे, यहाँ पे आज हम लोग ये सीखने वाले नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में या कुछ थोड़े टाइम के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। तो इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, ये सारे लेयर्स हैं अलग अलग, और ये उसके प्रोसेस हैं जो मैंने आपको ऑपरेशंस कहते हैं उसको हम लोग राइनो इम्बॉस में, तो वो हैं सारी। तो अभी हम लोग ये कुछ नहीं करने वाले, अभी आपको जो डिफ़ॉल्ट है वही रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से लोड प्रोफाइल करके आप अलग अलग प्रोफाइल ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो वैसे वैसे इसमें प्रोफाइल्स चेंज हो रही है, देखिए। तो मैंने बेसिक ये वाली ली है, फ्लैट वाली, तो फ्लैट वाली ही रहने देते हैं इसको।
और यहाँ से आप हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए हाइट, तो मैंने नॉर्मली हाइट रख दी है, मतलब ठीक है 0.3 रख दी है मैंने हाइट, यहाँ पे डाल सकते हो आप। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिजोल्यूशन अभी मैं कम रख रहा हूँ ताकि ज्योमेट्री जो बनेगी वो थोड़े से तरीके से मतलब जल्दी से बन जाए। जितने ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन रखोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों अभी जब मैं ज्योमेट्री जनरेट करूँगा तो आपको इसके अंदर काफ़ी टाइम लगने वाला है प्रोसेस में, तो मैं आपको उतना एरिया ट्रिम करके फिर आपको नेक्स्ट मतलब कंटिन्यू वीडियो चलेगा, लेकिन वो इतना एरिया उतना जो टाइम है वो मैं स्किप करूँगा। तो आप सवाल मत पूछना कि कितना टाइम लगा, कि हमको इतना टाइम लगता है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ये सारी चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स बनते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने डिसेलेक्ट कर लिया इसको अभी इधर साइड में क्लिक करके, फिर आना है आपको पिक्चर पे। तो दोस्तों पिक्चर पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आप एक बार देखोगे, तो उस पिक्चर पे जाओगे तब तो आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करना है, एक को ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे, तो लोड बिट मैप पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। एक ही बात है, मैंने क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ, आपको आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में जाना है, सी ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है उसमें डॉक्यूमेंट्स में जाइए, फिर मैट्रिक्स 8 में जाइए, फिर डेमोज़ में जाइए, फिर पिक्चर्स में जाइए, फिर आर्ट में जाइए। आपको फिर से बताता हूँ, आप चाहिए तो पॉज करके इस सिक्वेंस को देख सकते हैं वीडियो को। और यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पे एक स्कल, ये जो है ये डिफ़ॉल्ट रहेगी आपके पास में, ये भी आपके पास मिलेगा आपको। तो अभी मैं स्कल ले रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट है जो एग्ज़ाम्पल के लिए, ये अभी नहीं है ज़्यादा इतना मतलब इसमें इतनी अच्छी ज्योमेट्री नहीं आती है। और बाकी मैंने ये वाला जो अभी आपको दिखाऊंगा करके, तो अभी मैं स्कल ले रहा हूँ, ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये आ गई है, और यहाँ पे ये मेरी स्कल यहाँ पे आ चुकी है। देखिए तो अभी इसकी हाइट देखिए, आप यहाँ पे हाइट देख सकते हो, बहुत कम हाइट है, तो यहाँ पर से आप हाइट थोड़ी ज़्यादा या कम कर सकते हो। मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए। ये देखिए इस तरीके से आप इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी। तो आप अभी यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये बन चुकी है ज्योमेट्री, रिजोल्यूशन कम है मेरा इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ज़्यादा दोगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, देख रहे हो अब ये जो जिगजैग दिख रहा है आपको, ये सारे ये पिक्सेल्स है। आप अगर रिजोल्यूशन हाई करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माउस से मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपडेट रिजोल्यूशन का बटन, इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा रिजोल्यूशन, नहीं हुआ, जब आप मेश में कन्वर्ट करोगे तब रिजोल्यूशन आपका चेंज हो जाएगा। अभी मैं वर्किंग कम करना है इसको, तो ये कर रहा हूँ मैं, और मैं अभी रिजोल्यूशन ये 30 है तो 15 का रख रहा हूँ मैं, मतलब 50% 13, ठीक है दोस्तों यहाँ पे रख लिया मैंने। अब आपको जैसे मूव करना है ज्योमेट्री, तो यहाँ पे देखिए साइज़ एंड विड्थ, मतलब आपको इमेज की साइज़ छोटी या बड़ी करनी है तो ठीक है, और आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। और आपको ऑफसेट, मतलब आपको जैसे सेंटर में करना है यहाँ पे, तो ऑफसेट एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। देखिए ये कर लिया मैंने, और आपको यहाँ पे कैप अगर चाहिए, नीचे से पूरा पैक चाहिए आपको, तो आप पैक कर सकते हो, मतलब यहाँ तक ज्योमेट्री आएगा और कैप हो जाएगा, मतलब ओपन नहीं रहेगी ज्योमेट्री। तो मैं कैप ऑफ ऑन कर देता हूँ अभी, और इसके ऊपर देखिए एक बटन है यहाँ पे क्रिएट मेश, तो आप इस पर क्रिएट मेश भी करोगे तो आपके जो थोड़ा सा चलेगा प्रोसेस में, अभी ये रियल टाइम में चल रहा है दोस्तों, तो मैं अभी कोई ट्रिम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे ईजीएस्ट वे है जो बनाने का है, दोस्तों मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें, तो शायद मुझे वीडियो को स्किप करके लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बन चुका है, मैंने ट्रिम कर दिया है उतना प्रोसेस वाला वीडियो, और यहाँ पे मैं मशीन या रेंडर करके देखता हूँ। रेंडर करने के बाद में देखिए ये मेरे पास आया है, और जब पूरा सॉलिड है नीचे से, मशीन करके दिखाता हूँ आपको मशीन, ये देखिए इस तरह से मेरी ज्योमेट्री या जो एम्बॉसिंग वाला जो है वो बन चुका है। अब दोस्तों सिर्फ स्कल तो हमें क्या बनाना नहीं है, हमें अलग अलग ज्योमेट्री चाहिए होंगी, अलग अलग तरीके से करना होगा। तो दोस्तों इसी के लिए आपको मैं एक चीज़ें बताता हूँ कि इसको आपको डिलीट करता हूँ, मैं शेडेड में जाता हूँ फिर से ताकि मेरा कर्व दिखे मुझे, ये देखिए। और अब मैं रिजोल्यूशन कम रख के करूँगा ताकि आपको इजी वे में पता चले। लेयर्स में आता हूँ फिर से, कर्व सेलेक्ट कर लिया मैंने, इमेज पिक्चर में आता हूँ, इमेज पे जाता हूँ। अब मैं इसमें लेता हूँ सेल, ओके कर दिया मैंने, अभी देखते हैं मेरी ज्योमेट्री यहाँ पे आ गई होगी, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें,
ठीक है दोस्तों, ये आ चुका है यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, अपडेट रिजोल्यूशन करता हूँ ताकि, और यहाँ पे जो साइज़ है वो ये देखिए मैंने कम कर दिए, और ऑफसेट थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से बन चुका है मेरा यहाँ पे, और थोड़ी सी हाइट में बिट मैप की कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइट रखी है मैंने, और रिजोल्यूशन थोड़ा सा मैं मीडियम लेके, इसमें तो कम पॉइंट्स आएंगे दोस्तों तो कोई इशू नहीं है, मैं अपडेट रिजोल्यूशन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा आया यहाँ पे देखिए, और ज़्यादा करेंगे तो और अच्छा आ जाएगा, ये देखिए तो, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे दोस्तों तो थोड़ा सा मैं कमी करता हूँ, क्रिएट मैश करता हूँ दोस्तों, ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बन चुका है हमारा मशीन, अब देखिए अगर आप इसको मैन्युअली बनाने जाते तो काफ़ी टाइम लगता और परफेक्शन और सारी चीज़ें, तो देखिए ये कुछ ही क्लिक्स में हमारे पास में ये ज्योमेट्री और सारी चीज़ें बन चुकी है। राइनो एम्बॉस में बना सकते हो आप, तो काफ़ी सारे वाइड सोर्सेस हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ढूंढना है, टाइम स्पेंड करना है, और आपको वो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल हो जाएंगी, और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आपके अपने ज्योमेट्री में। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके अंदर और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, लेयर्स में गए मैं हम यहाँ पे इमेजेस में, यहाँ पे आपको ट्रिम टू बिट मैप आएगा, तो इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं, लेकिन हमारा जो ज्योमेट्री है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों ये आ चुका है यहाँ पे, साइज कुछ ज़्यादा है तो मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ, ऑफसेट ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर, रिजोल्यूशन वही है हमारा जो पहले दिया था हमने, और एक बार मैं इसको रिजोल्यूशन कम करके आपको दिखा देता हूँ मैं, अपडेट रिजोल्यूशन ये देखिए ट्रिम टू बिट मैप आया है, मीन्स आपका जो बिट मैप है जैसा जितना बिट मैप था उतना उसने क्या कर दिया है यहाँ पे ट्रिम कर दिया है, मीन्स आपको उतनी ही ज्योमेट्री मिलेगी, एक्स्ट्रा जो स्पेस है ये नहीं होगा आपके इसमें अंदर, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ रिजोल्यूशन, अपडेट रिजोल्यूशन करता हूँ मैं, ठीक है और थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है अब मैं यहाँ पे दोस्तों याद रखिए यहाँ पे कैप होना चाहिए, नहीं तो आपकी ज्योमेट्री सही बनेगी नहीं, क्रिएट मैश कर देता हूँ मैं अभी, ये देखिए बन चुका है मेरा, और मैं आपको मशीन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए हमारी जो ज्योमेट्री है वो बन चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आपको जो ढूंढना है तो उसकी एक साइट का नाम मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, और भी आपको और साइट्स के नाम चाहिए या इमेजेस है या मेरे पास काफ़ी सारा बंच है तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको ईमेल में ज़रूर बताऊँगा सारी चीज़ें और आपको भेज दूँगा, लिंक्स वगैरह भेज दूँगा। तो आपको मैं साइट का नाम बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ये https जो मतलब डालोगे नहीं तो भी चलेगा, 3axis.co इस साइट पे जाइए। तो दोस्तों आपको क्या है यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी वाले अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, देखिए आप यहाँ से आप कोई भी चीज़ इसे डाउनलोड कर सकते हो, एग्जांपल के लिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे देखिए ये एक इमेज है, आप जूम करके देख लीजिए इसको, ये देखिए ये इमेज है, अभी आपको इसको यहाँ से नीचे आना है, यहाँ पर डाउनलोड करना है, देखिए तो इस पर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार डाउनलोड का बटन दिखेगा, 5 सेकंड का वेटिंग टाइम दिखाएगा, देखिए 5 सेकंड्स का वेटिंग टाइम है, और आप डाउनलोड करोगे इसको, देखिए डाउनलोड हो गया है, मैट्रिक्स पे जाकर डिलीट कर दिया मैंने इसको शेडेड, ये देखिए ये आ गया है, लेयर में लिया मैं यहाँ पे सेम
पिक्चर में बिटमैप इमेजेस में यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे एक लाइब्रेरी में आ जाए। और ये मैंने ले लिया यहाँ पे इमेज मेरी यहाँ पे है, ये ओपन करता हूँ मैं। प्रोसेस में है मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये आ गया है। अभी मैं इसकी साइज थोड़ी छोटी करता हूँ, ऑफसेट रख दिया मैंने इस तरीके से, साइज और थोड़ी बड़ी करता हूँ थोड़ा ऑफसेट। ठीक है दोस्तों, और हाइट कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हो, रिजोल्यूशन थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊँगा। अगर दोस्तों इसमें टाइम लगेगा तो मैं आपको इसमें ट्रिम करके ही दिखा दूँगा। देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका जो चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पे, देखिए ज्योमेट्री ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऑन रखा है, यहाँ पे ट्रिम टू बिट मैप ऑन रखूँगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, मतलब इतनी ज्योमेट्री बनेगी मेरी, आप कहीं पर भी प्लेस करके कर सकते हो इसके। और फिर मैं करूँगा क्रिएट मेश, क्रिएट मेश पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और थोड़ा सा वेट, रिजर्वेशन हाई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, क्योंकि तो इतने सारे मेश के पॉइंट्स वगैरह बनेंगे दोस्तों। मेरा जल्दी से बन गया है, मे भी आपको टाइम लग सकता है अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़्यादा क्लिक्स वगैरह ना करें नहीं तो मैट्रिक्स आपका बंद हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए आपकी ये ज्योमेट्रीज वगैरह जो है ये बन चुकी है, देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से बन चुकी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि आपको ये जो स्मूथनेस और थोड़ी सी कम मिलती है, पता है मुझे, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे मैं जेड ब्रश में आया था यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मैंने ये स्मूथ करने के लिए बनाया था मैंने, मैं आपको अभी तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा आपको ये इजी वे में आप कर सकते हो कोई भी चीज़ है वो। तो दोस्तों जो ज्योमेट्रीज हम लोगों को जो एक्चुअली में उठे हुए हैं जो छोटे से जो रहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे सॉफ्टवेयर्स की, तो इस तरह से आप इसको लेके आप अपने जो डिज़ाइंस है या है उसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो या बना सकते हो या दे सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और मुझे आप बना के प्लीज़ फाइल मत भेजिए क्योंकि फाइल्स काफ़ी हेवी होंगी तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। आप इमेजेस दिखाओगे तो बेस्ट है, आपकी इमेजेस आपको हमारे नए वीडियोस में दिखाऊंगा। और इसका अलग से कुछ और है, बहुत सारी चीज़ें और अलग से कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आप ज़रूर डालिए अपनी नई नई चीज़ें और मैं आपको और भी नई नई चीज़ें बताऊंगा। और आपको कुछ भी क्यूरीज है तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। और मुझे एक ने भेजा था, शायद शुभांकर मल जी ने भेजा था, वो था कि आपको लायन के हेड का एक इम्बॉसिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप एक लायन की इमेजेस ढूंढ के आप थोड़ा सा आप ऐसा करके मैट्रिक्स में मैट्रिक्स आर्ट का यूज़ करके आप कर सकते हो। दोस्तों मुझे करके भेजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय।